चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं संज्ञा। और संज्ञा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, संज्ञा जो शब्द है इससे किसी नाम का बोध होता है, ठीक है। और ये जो है ये एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? ये एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द समझ में आता है? इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? यस सर। विकारी शब्द वही शब्द है आपके, जो क्या होते हैं, जो आप कारक, लिंग के अनुसार, जो कारक के अनुसार, कारक के अनुसार क्या होता है, जिनका रूप बदल जाता है। तो संज्ञा भी उन्हीं में से एक है। कल भी हम लोगों ने संज्ञा पे कुछ चर्चा की थी, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है लिखते हैं, चलिए इसको लिखो आप लोग। संज्ञा की परिभाषा लिखिए। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी भी नाम को क्या कहेंगे हम लोग? संज्ञा कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। किसी का भी नाम हो, चाहे वो नाम किसी प्राणी का हो, या वो किसी वस्तु का हो, या किसी गुण का हो, या किसी भाव का हो, कोई भी नाम हो, वो आपका क्या होगा? वो आपका संज्ञा होगा। संज्ञा की चर्चा जो है हम लोगों ने कल भी की थी कि व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो संज्ञा के तीन प्रकार, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लेकिन वहीं अगर अर्थ के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं, और हम लोग इसी को लेके चलेंगे। तो आप लोग लिखोगे, अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, संज्ञा पांच भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के पांच भेद होते हैं। एक नंबर होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ये सब कुछ हमने कल लिखा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, चलो जैसे हम लोग शुरू करते हैं वैसे ही लिखते हैं, जैसे अंग्रेजी में हम लोग शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बाद जातिवाचक संज्ञा, फिर जो है समूहवाचक संज्ञा, आगे द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक और है आपका पांचवा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। क्लियर है सभी को?
इसकी चर्चा कल भी हम लोगों ने की थी। ओके और ये कल हम लोगों ने भेद लिख ही लिया था। अब जो है एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। आप सभी को पता है कि संज्ञा विकारी शब्द है। शब्द क्या होता है, वर्ण क्या होता है, संधि कैसे होती है, ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले क्लासों में देखा। अभी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा जब कहते हो, ठीक है, तो ध्यान ये रखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, किसी स्पेशल का, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे किसी स्पेशल वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है जो खास हो। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। खास का क्या मतलब है, मान लो कि आप जो है कोई एक नाम लेते हो, जैसे आप नदी कहते हो, ठीक है, तो नदी जो है ये खास नहीं है, ऐसी बहुत सारी नदियां होंगी, ठीक है, नदियों की कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप गंगा कहते हो तो गंगा एक नदी है और ये खास हो गई, ये विशेष हो गई, ये स्पेशल हो गई, ठीक है। तो नदी जो है, नदी खास नहीं है, लेकिन गंगा जो है ये खास है, ठीक है, ये विशेष है, ये स्पेशल है। अब ये गंगा जो है, यही आपका हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि नदी जो है इससे तो एक जाति का बोध होता है, ऐसी बहुत सारी नदियां हो सकती हैं, तो ये आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। मतलब नदी जो है वो आपका जातिवाचक हो गया, लेकिन गंगा जो है ये क्या हो गया आपका, ये व्यक्तिवाचक हो गया। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर? ऐसे ही अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल देखें, अब मान लो जैसे हम कहते हैं समुद्र, ठीक है, तो जब हम समुद्र कहते हैं या सागर कहते हैं तो ये किसी पार्टिकुलर को, किसी खास को तो नहीं कह रहे हैं। तो ये जो है, जब आप एक पूरी की पूरी जाति का बात कर रहे हो, ठीक है ना, इसमें जब समुद्र आप कहते हो या सागर आप कहते हो, तो ऐसी स्थिति में आप किसी एक पार्टिकुलर को नहीं कह रहे हो, आप उस जाति में जितनी है उन सबको कह रहे हो। तो ये समुद्र जो है ये आपका जातिवाचक हो गया, लेकिन जैसे ही आप किसी समुद्र का नाम ले लोगे, ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी का नाम ले लिया, आपने ले लिया हिंद महासागर, ठीक है, तो ये हिंद महासागर जो है ये एक स्पेशल हो गया, और ऐसी स्थिति में ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुझको जब भी कभी पहचानना होता है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि प्रॉपर नाउन, ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, में जब भी मुझको पहचानने के लिए कोई देता है कि पहचानिए इसमें से कौन क्या है, तो मेरे पहचानने का सबसे आसान तरीका मुझको जो लगता है कि आप देखो कि इसका प्लूरल बन सकता है, क्या इसका बहुवचन हो सकता है। अगर बहुवचन हो सकता है तो वो क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो जातिवाचक होगा, और अगर जो है क्या हो, अगर जो है क्या हो कि अगर जो है उसका बहुवचन ना बने, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, वो जो है वो व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ये बहुत ही एक यूनिक टेक्निक है, जिससे मैं जो हूँ चीजों को क्या करता हूँ,
मैं चीजों को पहचानता हूं। दिक्कत है किसी को इसमें? क्या सभी लोगों का ये कॉन्सेप्ट? बोलिए भाई। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में फर्क करने का ये आसान तरीका है, ठीक है? आप जब कहते हो फूल, ठीक है, जब आप फूल कहते हो तो इससे जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज का बोध नहीं होता है। आप सोचो कि क्या इसका बहुवचन हो सकता है? क्या फ्लावर का बहुवचन हो सकता है? क्या फूल का बहुवचन हो सकता है? एकदम हो सकता है, ठीक है? तो जब इसका बहुवचन हो सकता है तो फिर ये आपका हो गया जातिवाचक, ठीक है? और जब आप किसी एक फूल का नाम ले लोगे, जैसे कमल कह दिया आपने, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी फूल का नाम ले लेते हो, गुलाब कह देते हो, ठीक है, ऐसे तो इसका भी बहुवचन होगा। लेकिन जब आप एक पार्टिकुलर चीज के बारे में बात करोगे तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगी? वो जो है आपका व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है? तो आप व्यक्तिवाचक की परिभाषा लिखो। व्यक्तिवाचक की परिभाषा में आप लिखो वैसे, वैसी संज्ञा, ठीक है, वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप इनके एग्जाम्पल लिख लो। कोई भी व्यक्ति का जो नाम है, ठीक है, जैसे आप लोगों का जो नाम है, व्यक्तियों का नाम, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें, आपका जो नाम है आप लोगों का, वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हो सकता है कि आपके नाम के और भी लोग इस दुनिया में हो, ठीक है, लेकिन आप में जो पार्टिकुलर क्वालिटी है वो किसी दूसरे में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। आप में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी किसी और में देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आप खास हो और इसलिए आप एक व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि प्रोपर नाउन हो, ठीक है। तो आपका जो नाम है वो, आपके दोस्त का जो नाम है, ठीक है, ये सब कुछ जो है क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम, दिशाएं बहुत सारी हैं, तो दिशा जो हो गया ये आपका जातिवाचक हो गया। लेकिन दिशा में जब आप पार्टिकुलर चीजों के बारे में जाओगे, जैसे आप केवल उत्तर कह रहे हो, आप केवल दक्षिण कह रहे हो, तो ये जो है आपका क्या हो रहा है? आपका हो रहा है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, ओके। आप लोग अपना माइक बंद कर लेंगे। आपका ऐसे ही हम बात करते हैं आगे। देशों के जो नाम होंगे, ठीक है, देश अगर कोई पूछे कि देश कौन सी संज्ञा है, तो देश जो है ये जातिवाचक है। लेकिन आप देशों के जब पार्टिकुलर नामों की बात करने लगेंगे तो फिर वो आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है सभी लोगों को? एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा लिखें, क्योंकि आपका जो 100 मार्क्स हिंदी है उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सी संज्ञा है। ठीक है, राष्ट्रीय जातियों के नाम। ठीक है, जैसे भारत के लोग को हम हेलो सर, ये कहते हैं। बोलिए भाई। हेलो सर। हाँ भाई बोलिए। सर सर लिख नहीं पाए सर, एक सेकेंड सर, वो सर लिख नहीं पाए सर, हल्का छूट सर। ठीक है लिखो, अभी आपके सामने है स्क्रीन, लिखो सर, पहले कीजिए ना हल्का सा। और ठीक है लिखो, वो सर पहले वाला नहीं लिख पाए सर। स्क्रीन आपके सामने है, लिखो। ठीक है भाई, हो गया सर, चलो ओके। थैंक यू। आगे है देशों में, जब हम देशों के बारे में बात करते हैं, भारत के लोगों को भारतीय कहते हैं, तो ये भारतीय जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमेरिका के लोगों को अमेरिकी कहते हैं, ठीक है, तो ये अमेरिकी जो है। रूस के लोगों को रूसी कहते हैं, रशियन, तो ये रूसी जो है ये आपका क्या है, ये भी आपका ये मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से समुद्रों के नाम, ठीक है, ये तो अभी हमने आपको बताया। जैसे जो है आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये सब कुछ जो है आपका क्या है, ये सब कुछ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनसे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है आपके, 100 नंबर हिंदी में, ठीक है, बिहार बोर्ड के 100 नंबर हिंदी में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए क्लियर है, जैसे नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, सिंधु, जो भी नदी के नाम हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, व्यक्तिवाचक है। एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा आपको, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। वैसे ही पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में आप हिमालय ले लो, एल्पस ले लो, ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है आपके। काराकोरम रेंज है, विंध्याचल रेंज है ना, ये सब कुछ जो है, सुलेमान पर्वत है, अरान कामयोमा पर्वत है, ये सब कुछ आपके पर्वतों के नाम जो है। हिंदू कुश पर्वत शिखर है अफगानिस्तान में, ठीक है, ये सारे के सारे पर्वतों के नाम आपके क्या हैं, ये भी व्यक्तिवाचक है। कोई भी नगर है, महानगर है, ठीक है, इन सब के नाम, जैसे दिल्ली हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है, किसी सड़क का नाम, सड़क का कोई अगर नाम है वो भी आपका
सड़क का नाम भी क्या होगा, वो भी सेम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुरी रोड़ी ये सब जो है सर। हाँ भाई, जो भी रोड आपके आपने सुना है, अशोक मार्ग है, जीटी रोड भी हो सुरी सकता है। मार्ग है, ठीक है। जो भी रोड है, ठीक है, जो भी चौक का नाम है, ठीक है, जैसे चांदनी चौक हो गया, तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, कुछ भी स्पेशल किसी जगह का नाम आएगा तो वो आप समझ लो कि वो आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी पुस्तक का अगर नाम आता है, ठीक है, धार्मिक पुस्तकों का नाम, ठीक है, तो पुस्तकों का नाम भी आपका क्या होगा, जैसे रामचरितमानस, पुस्तक का नाम है जैसे गीता, समाचार पत्रों का नाम स्पेशल हो जाएगा। ध्यान रखना कि जब आप पुस्तक कह रहे हो तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब आप पुस्तक के नामों की बात कर रहे हो तो वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इस चीज पे ध्यान रखिएगा। सड़क अगर कोई पूछे क्या है, तो सड़क जो है आपका, सड़क क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा है। और सड़क का अगर कोई नाम रखने लगे तो फिर वो जो होगा आपका, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना ही फर्क है। दिक्कत नहीं है किसी को? सर क्या बोले सड़क के बारे में? हमने बोला कि अगर कोई कह रहा है सड़क, सड़क जो है ये क्या है। हेलो सर, हाँ भाई बोलिए। हाँ सर, आप बोले ना सर कि वो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। हाँ जी, हमने बोला कि अगर कोई हाँ, कह तो रहा है, सड़क का एग्जाम्पल दें सर, फिर से बताइए सर एक बार और। ठीक है, ओके, सुनिए। हमने बोला कि अगर कोई सड़क कह रहा है केवल, कि सड़क क्या है, ये कौन सा संज्ञा है, ठीक है, तो सड़क तो बहुत सारी हैं, ठीक है, तो सड़क आपका जो हो गया वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई बताओ अशोक मार्ग कौन सा संज्ञा है, तो ये एक स्पेशल सड़क का नाम हो गया, इसलिए ये क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आया समझ में? क्लियर है भाई? सब लोगों ने ये सब कुछ लिख लिया? आगे कुछ और एग्जाम्पल हैं हम लोगों के पास, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है, ये सब कुछ भी आपका क्या है, ये सब कुछ भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन कोई कहे कि दिन कौन सा संज्ञा है, तो दिन जो है ये जातिवाचक है। और दिन का जब नाम रख दिया अपने, रविवार रख दिया, तो ये कौन सा संज्ञा हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। दोनों क्लियर हो रहा है आपको? दिन जब आप कह रहे हो तो बहुत सारे दिन होते हैं, महीना जब आप कह रहे हो तो बहुत सारा महीना होता है, लेकिन रविवार कह रहे हो, एक पार्टिकुलर चीज की बात हो रही है, एक स्पेशल चीज की बात हो रही है, एक खास चीज की बात हो रही है, इसलिए वो आपका रविवार सोमवार व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये दिन और महीना जो है क्या है, जातिवाचक है। आ रहा है समझ में? तो ये दिन और महीनों के नाम भी त्योहार और उत्सव के नाम,
होली, रक्षाबंधन, दीपावली, ठीक है। ठीक है, ये सब कुछ आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। क्या सभी लोगों को ये क्लियर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर है भाई? बोलिए, यस सर, इसमें किसी को यस सर, दिक्कत नहीं है? नो सर, आगे जो है, अब हम लोग आगे चलते हैं और जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। जातिवाचक, मैंने व्यक्तिवाचक में ही आपको बताया कि जातिवाचक होते हैं, ये इससे किसी जाति का बोध होगा। और जब आप इसमें कोई चीज, कोई भी एक नाम रखोगे जातिवाचक संज्ञा का, तो इसमें क्या होगा? आपको इसमें तो इतने सारे आते हैं, ठीक है? आ रहा है समझ में? जैसे ही आप कोई एक नाम रखोगे, आपको पता चलेगा कि इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, तो वो आपका होगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? ये किसी जाति का बोध होगा। एक ही तरीके के बहुत सारे वस्तुओं के लिए, एक ही तरीके के व्यक्तियों के लिए, एक ही तरह के स्थानों के लिए आप जब एक नाम चुन के रख देते हो, तो वो आपका होगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? जातिवाचक संज्ञा वो है जिससे पूरी जाति का बोध, जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये जातिवाचक संज्ञा में अभी आपने जो कुछ भी लिखा, जैसे नदियों के नाम, तो नदी जो आपने बोला, ये नदी जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। और जब आप नदियों के नाम रखने लगोगे, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये जब नाम रखने लगोगे तो आप स्पेशल करने लगे, तो फिर वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आपने अभी बोला पर्वत, ठीक है? पर्वत जो है ये आपका जातिवाचक है, और जब आप पर्वतों के नाम रखने लगोगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल आपको बताया था कि मुझको जब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर पता नहीं चलता है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं उसका बहुवचन बना के देखता हूं, मैं उसका प्लूरल बना के देखता हूं कि इसका प्लूरल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पर्वत एक पर्वत है और बहुत सारे पर्वत भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इसका प्लूरल हो सकता है। नदी, नदी से नदियां, बहुत सारी नदियां हो सकती हैं, तो यहाँ प्लूरल संभव है, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये मेरा मानना है, मैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ खुद जो है अपने आप को समझने समझाने के लिए। आप भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ये सूटेबल लगे, अगर आपको ये दृष्टिगोचर हो कि आप इससे जो है समझ पा रहे हैं। क्लियर है? जैसे जो भी व्यवसाय है, जो भी व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब बिजनेस, ठीक है? व्यवसायों का नाम जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे आप प्रोफेसर कहते हो, तो प्रोफेसर से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, प्रोफेसर से जो है पूरी की पूरी प्रोफेसर जाति का बोध होता है, इसलिए प्रोफेसर जो है ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। तो व्यवसाय के जो पद हैं, ठीक है, जो संबंधियों के लिए आप यूज करते हो, जैसे बहन, ये एक संबंधी है,
ठीक है, पिता आपका संबंध इनसे है कुछ ना कुछ, तो संबंधियों के जो नाम है उससे जो है क्या होगा, उससे पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है। और ये भी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही कोई, अभी मैंने बताया कोई किसी का अगर कोई काम है, कोई प्रोफेशन है, जैसे जुलाहा, ठीक है, तो ये सब कुछ जो है आपका क्या है, ठग, ठग जो है ये क्या है, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सारे के सारे आएंगे। अब पशु पक्षियों के जो नाम होंगे, ठीक है, पशु पक्षियों के नाम वो आपके क्या होंगे, वो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। पशु पक्षियों के नाम जैसे घोड़ा, अब आप घोड़ा जब कहते हो तो बहुत सारे घोड़े हैं, ठीक है, इनकी संख्याओं की कमी नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। जब आप गाय कहते हो तो गाय से बहुत सारी गायों का बोध होता है, तो फिर ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। वही एग्जाम्पल आप यूज करना, ठीक है, प्लूरल बना के चेक करना, अगर वो संभव है तो ज़्यादा आसान होता है उस विधि से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर करना। वस्तुओं के नाम जैसे मकान, जैसे कुर्सी, जैसे घड़ी, जैसे पुस्तक, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक चीजें जैसे तूफान, ठीक है, जैसे बिजली, जैसे वर्षा, ये सब कुछ जो है आपका क्या होगा, ये सब कुछ आपका जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे भूकंप, किसी को कोई दिक्कत है या जातिवाचक, क्लियर है, बताइए, पहचान में आ जाएगा आप लोगों को जातिवाचक है कि नहीं है भाई? सर जुलाहा में क्या होगा, क्या जुलाहा, क्या बोला आपने, जुलाहा इसमें लिखा हुआ है, ठग के पहले बहन के बाद। अच्छा, जुलाहा, जुलाहा जो है ये वो लोग होते हैं, एक तरीके का ये जुलाहा जो है प्रोफेशन है, ठीक है, एक तरीके का जुलाहा क्या है, पेशा है। और कबीर का नाम आपने सुना है, कबीर का नाम, किसका, अच्छा छोड़ो, कबीर को छोड़ दो, ठीक है, आप जो है जो कपड़ा बुनने वाले लोग होते हैं उनको समझते हो ना, कपड़ा बुनने वाले लोग जो करघा चलाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, तो कपड़ा बुनने वाले लोगों को जुलाहा बोला जाता है, ठीक है, कपड़ा बुनने वाले लोगों को क्या कहते हैं, जुलाहा कहते हैं, क्लियर है, जुलाहा, हाँ, अंग्रेजी में वेवर इसको बोला जाता है, ठीक है सर, जुलाहा था सर, क्या भाई, यस सर, कबीर जो था सर जुलाहा एक ठीक है, हाँ, अक्सर ये देखने को मिलता है, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल ले रहा था, लेकिन उससे ये क्लियर नहीं हो पाता कि जुलाहा होता क्या है, ठीक है। अच्छा चलो, ये हो गया भाई, जातिवाचक क्लियर है सभी को, क्लियर है, जी सर। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा होगा, ये क्लास जो है रिकॉर्ड हो रहा है, और इसका रिकॉर्डेड क्लास आपको यूट्यूब पे आज हम अपलोड कर देंगे। बाकी आगे चलते हैं हम लोग, और हाँ नेक्स्ट जो है भाई बात करते हैं, यूट्यूब भाई बात कर रहे हैं।
समूहवाचक संज्ञा का, ठीक है, आगे बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा। देखो समूहवाचक संज्ञा में नाम से ही क्लियर हो रहा है समूहवाचक संज्ञा में कि इससे किसी ग्रुप का बोध होगा, ठीक है, किसी समूह का बोध होगा। जैसे मैं कि हम सभी लोग यहाँ इस मतलब समझ लो कि ये ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हमारा जो अभी समूह है, हमारा जो ग्रुप है, इसको कोई क्या कहेगा? इसको कोई कहेगा कि ये क्लास चल रहा है, ठीक है ना, क्लास चल रही है। तो हम सभी लोगों के लिए एक वर्ड यूज किया गया, क्लास, ठीक है। हम लोगों का जो ग्रुप है उसके लिए एक शब्द यूज किया गया, क्या यूज किया गया, क्लास यूज किया गया, ठीक है। किसी चीजों का दल होगा, टीम होगा। अब उन सभी जैसे खिलाड़ी होते हैं, अब सभी खिलाड़ियों के लिए क्या कहा जाएगा कि देखो टीम जा रही है, ठीक है भाई। तो सभी खिलाड़ियों के लिए एक शब्द यूज कर दिया गया। तो जब आप क्या करते हो कि व्यक्तियों के समूहों के लिए किसी एक शब्द का, किसी एक संज्ञा का प्रयोग करते हो, तो उसी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा समझ में आ रही है आपको? इससे किसी समूह का बोध होगा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा से क्या होगा, व्यक्ति हो या वस्तु हो उसके ग्रुप का बोध होगा, उसके समूह का बोध होगा, तो वो संज्ञा आपकी होगी समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, किसी ग्रुप का बोध होगा, ठीक है। जैसे अभी आप मान लो कह रहे हो दल, टीम, तो इससे ग्रुप का बोध हो रहा है। डाकुओं का जैसे गिरोह होता है, ठीक है, तो गिरोह से क्या होता है, ग्रुप का बोध होगा। बहुत सारे लोग मिलके मीटिंग करेंगे, सभा करेंगे, तो सभा से किसी एक व्यक्ति का बोध तो हो नहीं रहा है। अंगूरों का गुच्छा होगा, गुच्छा जब कोई कहेगा तो उसमें एक अंगूर की तो बात हो नहीं रही है, चाबियों का गुच्छा होगा, ठीक है, तो उससे जो है किसी एक पार्टिकुलर चीज का बोध तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो रहा है, इससे समूह का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या है, आपके समूहवाचक संज्ञा है। जैसे मंडल हो गया, ठीक है, क्लियर है, लिखो इसको। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। हो गया भाई, तो ये है आपका समूहवाचक संज्ञा। फिर हम बात करते हैं आगे चलें। द्रव्यवाचक संज्ञा की, ठीक है। अब देखो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, जब आप द्रव कहते हो तो उससे लिक्विड पदार्थ का बोध होता है, ठीक है, उससे द्रव पदार्थों का बोध होता है।
लेकिन जब आप द्रव्य कहते हो तो इसमें सब कुछ आ जाता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है आपका। द्रव्य जो है एक बड़ा टर्म है, और इसमें उन तमाम चीजों को शामिल किया जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा में, जिनको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको हम तौल सकते हैं। समझ में आ रहा है? दिक्कत हो रही है समझने में? कहने का मतलब कि जिस संज्ञा से, ठीक है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होगा, ठीक है, वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना भाई? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप सोचो, नापने तौलने वाली चीजें होंगी इसमें, और ध्यान रखना इसका बहुवचन संभव नहीं है। पता करना हो कि द्रव्यवाचक है कि नहीं है, पता कर लेना कि बहुवचन बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका भी बहुवचन नहीं बनता है। प्रॉपर नाउन बहुवचन नहीं बनता है। ओके, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनका बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सामान्यतः में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे में है आपका, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम लोग नापते हैं या तौलते हैं? जैसे है लोहा, सोना, चांदी, दूध हो गया, पानी, तेल, घी, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, आपको पता है सब कुछ, चीनी। तो ये सारी की सारी चीजें आपका क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्लियर है सभी लोगों का? सर लोहा का लोहे नहीं हो सकता है? नहीं भाई, लोहा का लोहे नहीं होगा, इसका बहुवचन संभव नहीं है। ठीक है, बहुवचन संभव नहीं है। और कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। कारण है अरे ये मतलब इसको तो रूप में नहीं किया जाता था ना, किया इसका जाता था प्लुरल इसमें नहीं होगा, इसका बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, कारण सर आर्टिकल में मतलब साउंड नहीं आ रहा है आपका, बहुत कम साउंड आ रहा है। नेटवर्क बोलिए। अरे इसको तो के रूप में नहीं किया जाता है इसलिए इस पर आर्टिकल में नॉन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आपका साउंड क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो है बहुवचन संभव नहीं है। ठीक है, जनरली इसका बहुवचन संभव नहीं है। ठीक है, जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, विशेष परिस्थितियों में जोर जबरदस्ती करके अगर बनाना हो तो वो अलग चीजें हैं। ठीक है, लेकिन सामान्यतः जो है इसका बहुवचन संभव नहीं होता है। क्लियर है?
आगे एक और संज्ञा जो हम लोगों के पास बच जाती है वो है भाववाचक संज्ञा। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न भाववाचक संज्ञा से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव से भाववाचक कैसे बनाते हैं, क्रिया से भाववाचक कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, भाववाचक संज्ञा क्या है और उसके बनाने के क्या नियम है, ये सब कुछ जो है हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो आप पूछो, ठीक है।